किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल है वो रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल का उत्पादन अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो आपके साल भर के आय व्यय में फर्क पड़ता है। हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें जो सुरक्षा की बात है, आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में फसल सुरक्षा, और जानकारी देंगे डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, आप हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव। गेहूं में जो हमारी रबी की मुख्य फसल है गेहूं, उसको उसमें फसल सुरक्षा जो भी अभी खेत में सामयिक कार्य चल रहे हैं, जिसमें बथुआ का नियंत्रण, गेहूं के मामा का नियंत्रण और जो जिंक की कमी के होने के द्वारा होने वाला खैरा रोग है उस पर नियंत्रण के बारे में जानकारी देना है। किसान भाई, जानकारी इसलिए देना आवश्यक है कि यदि आप इस समय पर अगर इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपकी उपज प्रभावित होती है, और ये जितने भी हमारे खरपतवार हैं जब ये पुष्पावस्था में आ जाएंगे, इसमें बीज बन जाएगा तो ये खेत में झड़ जाएंगे और अगले वर्ष पुनः आपका उत्पादन प्रभावित होगा, काफी ज्यादा इनकी मात्रा खेत में आ जाती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे किसान भाइयों बथुआ की, जो हमारे खेत में काफी ज्यादा हो जाते हैं बथुआ, काफी निराई की जाती है, निराई के द्वारा भी निकाले जाते हैं। यदि निराई नहीं हो पाती है, समय से इनको निकाला नहीं गया है, तो इनका नियंत्रण करना अति आवश्यक है। लेकिन किसान भाई ध्यान रखें कि नियंत्रण में बहुत जरूरी है समय का और दवा का। आप समय का अगर ध्यान रखें किसान भाई, जो ही हमने बुआई की है गेहूं की, बुआई के 20 से 25 दिन में हम पहली सिंचाई करते हैं, और पहली सिंचाई के बाद जैसा कि आप खेत देख रहे हैं खेत में जाने लायक हो गया एक सप्ताह के अंदर, अर्थात 30 से 35 दिन, पहली बुआई के बाद जो 30 से 35 दिन का जो समय है जो आपको दिख रहा है, इस समय पर आप बथुआ के नियंत्रण के लिए 2,4-D सोडियम साल्ट करीब 625 ग्राम मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर फ्लैट फैन नॉजिल से आप छिड़काव करें। काफी हमारे किसान भाई हैं जो बालू में मिलाकर छिड़कते हैं, ऐसा ना करें, आप इसको पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जैसे आप देख रहे हैं खेत में छिड़काव किया जा रहा है, किसान भाइयों देखिए इसका नॉजल भी आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे फव्वारा पड़ रहा उस तरह किया जा रहा है, कोहरा जैसे पड़ता है कि पूरा जो बथुआ का पौधा है जितना भी है सब कुछ उसमें आ जाए और नियंत्रण काफी ज्यादा हो जाए, इस पर नियंत्रण किया जा सके। तो ध्यान रखें किसान भाइयों कि ये हमारा 2,4-D सोडियम साल्ट दवा जो है 625 ग्राम मात्रा 600 से 800 लीटर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से करना है। दूसरा जो हमारा खरपतवार है सबसे जो इसके बाद बथुआ के बाद आता है वो है गेहूसा, फैलोरिस माइनर, कहीं कहीं इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं। गेहूसा का मतलब है किसान भाइयों बिल्कुल गेहूं जैसा, दिखने में गेहूं जैसा होता है और हमारे किसान भाई इसको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। हमारा गेहूं गहरे हरे रंग का होता है और ये पीले रंग का, थोड़ा सा हल्का इस जो रंग होता है हरे रंग का उसमें कम होता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई ध्यान रखें कि हमारा सल्फोसल्फ्यूरान दवा जो है, पहले तो हमारे किसान भाई आइसोप्रोटुरान डालते थे इसके लिए, लेकिन जिस क्षेत्र में आइसोप्रोटुरान अब काम नहीं कर रही है, जहां प्रभावी नहीं है, वहां सल्फोसल्फ्यूरान दवा 33 ग्राम दवा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह फ्लैट फैन नॉजिल बना कर लें आप उसमें, और पैर से चलाने वाली मशीन है या पीठ से चलाने वाली मशीन है, आप कोशिश करें कि जो पैर से चलाने वाली मशीन है उसके द्वारा आप इसका, क्योंकि उसमें प्रेशर काफी आजाद मिलता है, उसके द्वारा आप स्प्रे करें। और दवा जो हमने आपको बताई है 33 ग्राम दवा और 600 से 800 लीटर पानी, लेकिन जो समय है किसान भाइयों ये सबसे जरूरी है आपको कि बुआई के 30 से 35 दिन के बाद, अर्थात जो पहली आपने सिंचाई की है उसके 7 से 8 दिन बाद, 20 से 22 दिन पर जो आपने सिंचाई की है। कुछ हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि खेत में देखते हैं कि बथुआ आ गया है या गेहूं का मामा आ गया है और वो दवा का छिड़काव करने लगते हैं, ये न करें। जब आप पहली सिंचाई कर रहे हैं उसके बाद ही दवा का छिड़काव करें, क्योंकि आपने सिंचाई से पहले अगर दवा का छिड़काव कर दिया या पलेवा के समय भी दवा का छिड़काव कर दिया है और फिर सिंचाई के बाद जो आपका खरपतवार निकलेगा, जो पहली सिंचाई के बाद आपका खरपतवार निकलता है गेहूं सा, उसके लिए पुनः आपको दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है किसान भाइयों कि उस उचित अवस्था उचित समय पर आप ध्यान रखें, दवा का छिड़काव करें। ये दो बातें थी किसान भाइयों, हमने जो खरपतवार के लिए कहा खरपतवार नाशी का प्रयोग करें और समय से आप खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं, जो कि हमारे किसान भाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है गेहूं की फसल में। इसके अलावा जो बथुआ की मैंने बात की थी अभी आपको, बथुआ का मतलब है किसान भाइयों चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती का मतलब जितनी भी हमारी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, कृष्ण नील है,
बथुआ है और उसके अलावा मटर है, जो जंगली मटर है, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, उन सभी के लिए आप 2,4-D दवा का इस्तेमाल करें। और सकरी पत्ती जो जंगली जई है या हमारा गेहूं का मामा है, ये सकरी पत्ती, सकरी मीन्स गेहूं, मतलब गेहूं की जैसी पत्तियां होती हैं, पतली होती हैं, इनके लिए आप सल्फोसल्फ्यूरान या आइसोप्रोपियोरान का प्रयोग करें। एक बात और हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जिस खेत में गेहूं का मामा और बथुआ दोनों लगा हुआ है, वहां नियंत्रण के लिए किसान भाई क्या करें, तो अलग अलग ये दवा ना छिड़कें। अलग अलग दवा छिड़कने से अच्छा है कि आप एक साथ दवा मिला लें। 2,4-D के साथ सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग नहीं करना है। आइसोप्रोप्यूरान जो दवा हमारी है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, आइसोप्रोप्यूरान के साथ आप 2,4-D दवा को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपके पास सल्फोसल्फ्यूरान है किसान भाइयों, तो सल्फोसल्फ्यूरान जो अभी आपने देखा कि सल्फोसल्फ्यूरान का स्प्रे हो रहा है, अगर आप उसके लिए गेहूं के मामा के लिए, परंतु यदि आपके खेत में बथुआ और गेहूं का मामा दोनों लगा हुआ है, तो सल्फोसल्फ्यूरान के साथ साथ किसान भाइयों मेटसल्फ्यूरान दवा का प्रयोग, दोनों दवाओं को मिलाकर, मेटसल्फ्यूरान 40 ग्राम दवा और सल्फोसल्फ्यूरान आपकी 33 ग्राम दवा, दोनों दवाओं को मिलाकर उचित समय वही 30 से 35 दिन के अंदर आप अगर स्प्रे करेंगे तो दोनों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये तो बात हुई किसान भाइयों हमारे खरपतवार की। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा किसान भाइयों की, एक जिंक की कमी के कारण एक खैरा रोग होता है, इसी अवस्था में होता है, जो ही हम पहली सिंचाई करते हैं उसके 10 से 15 दिन बाद। ध्यान रखें किसान भाइयों कि हमने अगर जब पलेवा करते, पलेवा के समय जब हम पहली बेसल ड्रेसिंग, बेसल में हम यूरिया और डीएपी के साथ जिंक सल्फेट जो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं, यदि हमने नहीं किया है तो उसी के कारण, जिंक की कमी के कारण हमारी पौधे में जो पहली सिंचाई करते हैं, देखेंगे कि आप उसमें पौधा हमारा ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है, पीला पड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे पीला पड़ते 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 वो पीला के बाद वो सूखने लगता है और बिल्कुल सूख जाता है, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें कि जो ही हमने पहली सिंचाई की, उसके बाद जो ही ये खेत में हमको इस तरह की अवस्था दिख रही है, जैसे आप पीछे देखें ये अवस्था दिख रही है, अगर आपको इस तरह का दिखने लगे तो आप करीब, आप इस दवा को नोट कर लें, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 16 किलोग्राम यूरिया, जैसा आपने देखा अभी मिलाते हुए दिखाया गया, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को ले लें और 16 किलोग्राम यूरिया को ले लें और 600 से 800 लीटर पानी में इसको मिला लें, और मिलाने के बाद वही मशीन के द्वारा जैसे आप देख रहे हैं स्प्रे किया जा रहा है, उस तरह उसको स्प्रे करें। ध्यान रखें किसान भाइयों कि यदि आपने स्प्रे किया और 10 से 15 दिन बाद अगर ये नियंत्रित हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा और दिख रहा खेत में आपको, कहीं कहीं और दिख रहा है खैरा रोग, तो पुनः आप इस दवा का नियंत्रण स्प्रे करें जिससे यह नियंत्रित हो जाएगा। तो ये थी किसान भाइयों, सबसे जरूरी है कि हम खैरा रोग पर नियंत्रण कैसे पाएं। ये चूंकि आप देख रहे हैं हल्की सी उसरीली जमीन भी है, ऊसर है, तो इसमें खास तौर से जो ही हम पहली सिंचाई करेंगे उसमें ध्यान रखें कि हम थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि जो पहली सिंचाई उसरीली जमीन या आंशिक रूप से जो ऊसर जमीन है उसमें पहली सिंचाई हल्की करें, नहीं तो अगर आप ज्यादा पानी भर देंगे, आप देख रहे हैं पानी बहुत कम भरा गया है खेत में, अगर आपने ज्यादा पानी भर दिया तो हमारे पौधे पीले पड़ने लगते हैं। तो ये ध्यान रखें कि हल्की सिंचाई करें, और अगर पौधे पीले पड़ रहे हैं या वो खैरा रोग की कमी के लक्षण दिख रहे हैं तो आप यूरिया और जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये था हमारा किसान भाइयों मुख्य जो अभी फसल सुरक्षा की बात की जा रही है इसकी। और अभी एक चीज और कभी कभी खेत में दिखने को मिलेगा, दीमक का प्रकोप हो सकता है, अगर हमारे खेत में नमी नहीं है, नमी की कमी है या सिंचाई हमने नहीं की है तो कहीं कहीं दीमक का प्रकोप हो सकता है। उसके लिए आप किसान भाई ध्यान रखें कि नीम बेस्ड फार्मुलेशन आता है, नीम केक आता है, आप उसका प्रयोग खेत में कर सकते हैं या सिंचाई कर सकते हैं खेत में, जिससे कि हमारा इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये थी किसान भाइयों बातें, जो बातें कम हैं लेकिन इसका अगर आप समय पर उपयोग करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा होगा। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में विभिन्न फसलों की, विभिन्न पौधों की, विभिन्न बागों की, कई प्रकार की खेती बाड़ी के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके पोषण को लेकर, लेकिन आज हम किसी फसल की खेती के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है बायोगैस का महत्व। जानकारी दे रहे हैं इंजीनियर हैं बलजीत बहादुर वर्मा जी हैं, आप हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से। किसान भाइयों, गोबर गैस प्लांट का निर्माण 1937 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और 1962 ईस्वी में खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने गोबर गैस स्थापना में अपना प्रोजेक्ट भारत में लगाया।
किसान भाइयों, इसमें 2 घन मीटर क्षमता का प्लांट हम लोग बनवाते हैं, जिससे छोटा परिवार जो 4 से 6 परिवारों के लिए भोजन आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें गोबर 15 किलो गोबर डेली आवश्यकता होती है। अगर किसानों के पास 2 से 3 जानवर हैं तो आसानी से इस प्लांट को चलाया जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्लांट को बनाने के लिए स्थान का चुनाव अच्छी तरह से हम लोगों को करना चाहिए। ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से पहुंचती हो, तथा जहां पे गैस का प्रयोग होता है वहां से प्लांट की दूरी 10 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तथा वाटर टेबल जहां का बहुत ऊंचा हो वहां पे प्लांट को की तली अच्छी तरह से बनाना चाहिए। किसान भाइयों, इस प्लांट को बनाने में 1200 ईंट लगती है, 12 बोरी सीमेंट, 40 फीट गिट्टी, 40 फीट मोरंग तथा 6 इंच की पाइप 17 फीट की आवश्यकता होती है। इस प्लांट को बनाने में कुल 25,000 लागत आती है, जिसमें भारत सरकार 8,000 रुपए सब्सिडी देती है। परंतु याद रहे, सब्सिडी किसान को तभी मिलेगी जब वो पहले अपना प्लांट बना लेगा तथा स्टाम्प पेपर पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्थित नेडा विभाग को शपथ पत्र देगा, जिसपे लिखा होगा कि मेरे पास जानवर पर्याप्त हैं, जमीन पर्याप्त है, तथा इस प्लांट को मैं आगे 10 वर्षों तक लगातार चलाता रहूंगा। किसान भाइयों, इसी चीज की जानकारी देने के लिए हमने उन्नाव जनपद में खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की डिजाइन को के प्लांट की स्थापना करवाया है। जनपद में अभी इस तरह का गोबर गैस प्लांट नहीं बना हुआ है। जो प्लांट बने हुए हैं वो फिक्स डोम टाइप के बने हुए हैं। उसमें नुकसान ये है कि अगर एक बार उसमें क्रैकिंग आ गया तो पूरा प्लांट तोड़ना पड़ता है, लेकिन केबीआईसी मॉडल में हम फ्लोटिंग डोम टाइप की टंकी रखते हैं, जिससे 6-7 सालों के बाद अगर टंकी गड़बड़ होती है तो पुनः हम उसको अलग से रख लेंगे और प्लांट की लाइफ 20 से 25 साल तक बनी रहती है। किसान भाइयों, भारतवर्ष में लगभग 74% परिवार जो है लकड़ी का प्रयोग करते हैं, 9% उपले का तथा 9% लोगों की एलपीजी तक पहुंच है। लेकिन जो उपले से खाना ग्रामीण इलाकों में बनाया जाता है वो सारा गोबर राख में बदल जाता है, परंतु इस गोबर गैस प्लांट के लगाने से जो भी गोबर है हमारा वो राख नहीं होगा, तथा जो भी गोबर गैस की सलरी बाहर निकलेगी उसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो FIM हम गड्ढों में तैयार करते हैं उसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में सब बाहर चली जाती है, इसलिए उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इस तकनीक के प्रयोग से भारतवर्ष में सतत विकास हेतु ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। जी किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1973 में भारत में 5,000 गोबर गैस प्लांट लगे थे, जबकि चाइना में 8,000 प्लांट थे। 1980 में भारत में 80,000 प्लांट की स्थापना हुई, जबकि चाइना में 2,70,000 प्लांट की स्थापना हुई। और 1998 की दशक में भारत में 27,00,000 प्लांट लगे, जबकि चाइना में 69,00,000 प्लांट लगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के लाभ लेने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारे यहाँ उतना तेजी से इस प्लांट की स्थापना ग्रामीण इलाके में नहीं हो रही। किसान भाइयों, इससे केवल हम खाना ही नहीं पका सकते हैं, ये इस प्लांट से हम लाइट भी जला सकते हैं। जिस समय गैस से हमको खाना नहीं पकाना है उस समय हम बल्ब जला सकते हैं। किसान भाइयों, इसलिए
इस प्लांट की स्थापना पे बहुत तेजी से हम लोगों को कार्य करना चाहिए। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी? अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल, इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो, जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह, 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में, NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे फल होते हैं जो कई प्रकार के गुणों से भरपूर होते हैं, मगर अगर आंवला फल की बात करें तो ये तो औषधि गुणों की खान कहा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं आंवला के औषधि गुण एवं संरक्षित उत्पाद। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अर्चना सिंह, आप हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंवला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। इसको आचार संहिता में महर्षि चरक ने जीवनदात्री फल के नाम से पुकारा है। इसमें विद्यमान औषधि एवं पोषक तत्वों के कारण इसको अमृत फल कहके भी पुकारा जाता है। इसमें विटामिन सी तथा पॉलीफिनाल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारा शरीर योग्य हो पाता है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए। विटामिन सी हमारी रक्त वाहिनियों को भी फैलाव को अच्छा बनाता है, जिससे हार्ट अटैक की समस्या नहीं आती। इसके अतिरिक्त आंवला आपका मधुमेह, बवासीर, पीलिया एवं स्कर्वी रोगों को नियंत्रित करने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आंवले का 40 दिनों तक निरंतर सेवन किया जाए तो हमें निरोगी काया प्राप्त होती है। भाइयों एवं बंधुओं, जब हम जानते हैं कि आंवले में इतने सारे औषधि एवं पोषक तत्व विद्यमान हैं,
तो हम इसे 40 दिन तक नहीं बल्कि आज की आवश्यकता है कि हम इसको प्रतिदिन सेवन करें, और उसके लिए आवश्यकता है आंवले के संरक्षण की, अर्थात इसके संरक्षित उत्पादों की। तो पहले यह जानना जरूरी है कि आंवले से हम कौन कौन से संरक्षित उत्पाद बना सकते हैं। आंवले से जो प्रमुख संरक्षित उत्पाद बन सकते हैं वो है आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवला जूस, आंवला कैंडी एवं आंवले की रसीली फांकें। आज हम चर्चा करेंगे आंवले के मुरब्बे पर। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए प्रमुख सामग्री है चीनी एवं साइट्रिक एसिड। 1 किलो आंवले के लिए 1.5 किलो चीनी की एवं 4 ग्राम साइट्रिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। जब हम मुरब्बा बनाने चलते हैं तो सबसे पहले फलों का चुनाव करना है। याद रखें, आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें थोड़े से बड़े फलों को लेना होगा जो परिपक्व हों, और खास तौर पे अगर हमें नरेंद्र 7 और नरेंद्र 4 मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए फलों को अच्छी तरह से पानी से धो लें एवं चाउमीन खाने वाले जो फोक आते हैं उनकी सहायता से अच्छी तरह से गोद लें कि पूरा फल अच्छी तरह से गुद जाए। गुदाई करने के बाद इसको 2% नमक पानी के घोल में डालना है, अर्थात 1 लीटर पानी में 20 ग्राम नमक। इस घोल को तैयार करके रख लें, आंवले को गोदते जाएं और इस पानी में डालते जाएं। पानी इतना रहना चाहिए कि आपका आंवला पानी में डूबा रहे। इस घोल में आप 48 घंटे के लिए अर्थात दो दिन के लिए फल को डाल करके रख दें। 2 दिन के बाद इस नमक पानी के घोल से आंवले को निकालें, अच्छी तरह से 4-5 बार साफ पानी में धो लें ताकि आपके आंवले में जो भी नमक है वो बाहर निकल जाए। अब आपको उबालना है आंवले को। आंवले को एक भगोने में रखिए, ध्यान रखिए जब आंवले को उबालने चलिए तो लोहे और पीतल के बर्तन से बचना है क्योंकि इसमें टैनिंग होता है और ये रिएक्शन करता है पीतल के साथ में। तो आप कोशिश कीजिए स्टेनलेस स्टील का, ना हो तो एल्युमिनियम के भगोने में आंवले को डालिए और इतना पानी डालिए कि आपका आंवला डूबा रहे। फल को मुलायम होने तक उबालते हैं। जब फल उबल जाता है तो इसके पानी को हटा देते हैं, किसी टोकरी में रखते हैं, जालीदार टोकरी में, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हमें चीनी डालना है। चीनी 1 किलो आंवले के लिए 1.5 किलो चीनी की आवश्यकता थी, इसके लिए हम 3 भाग कर लेते हैं, अर्थात आधा आधा किलो चीनी 3 जगह कर लेते हैं। अब हम डब्बे में इस तरह से आंवले को रखते हैं, 1 तह आंवले की ऊपर से 1 तह चीनी की, अर्थात एक बार में हम आधा किलो चीनी डालते हैं। डब्बे में चीनी डाल करके 1 दिन के लिए रख देते हैं। दूसरे दिन हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के कारण यह चीनी चाशनी के रूप में परिवर्तित हो गई है। दूसरे दिन आधा किलो चीनी हम फिर से डब्बे में ऊपर से डाल देते हैं और डब्बे का ढक्कन बंद करके अच्छे से मिला करके रख देते हैं। तीसरे दिन फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं, शेष बची हुई आधा किलो चीनी भी डाल देते हैं और डब्बे को बंद करके रख देते हैं। इस तरह से आपके 5 दिन बीत जाते हैं। 6वें दिन आपको पूरा चाशनी सहित आंवले को भगोने में पलटना है, गरम करना है, और जब फल गरम हो जाए तो छन्नी की सहायता से आंवले को बाहर निकालना है। और अब आपको चाशनी को गाढ़ा करना है। चाशनी को गाढ़ा करते समय ही इसमें साइट्रिक एसिड भी मिला देते हैं। साइट्रिक एसिड 2 काम करता है। एक तो आपके चाशनी को चीनी के रूप में नहीं परिवर्तित होने देता, अर्थात खटास मेंटेन रखता है, और दूसरा जो भी आपकी चाशनी में गंदगी है उसको निकाल देता है। इस तरह से आप चाशनी को गाढ़ा करिए। हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से देख लेते हैं कि इसमें कितनी चीनी है। यह 65 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होनी चाहिए, किंतु घरों में रिफ्रैक्टोमीटर नहीं है तो उसको देखने का बहुत ही आसान तरीका है। आप सभी ने शहद देख रखा है, शहद की तरह चीनी चाशनी को गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह से चाशनी को हमने गाढ़ा किया और फल में ऊपर से चाशनी को डाल दिया। अभी आपका मुरब्बा बनकर तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त एक और भी उत्पाद है जिसको हम आंवला सेगमेंट सिरप कहते हैं। वो बहुत आसान है बनाना। उसमें आपको आंवले को गोदने की भी आवश्यकता नहीं है। आंवले को आपको उबाल लेना है और फिर जिस तरह से आपने मुरब्बा बनाने की प्रक्रिया किया है ठीक उसी तरह से दोहराना है। इसका फायदा यह है कि एक तो इसमें गुठली नहीं होती है तो इसको खाना आसान होता है। दूसरा, मुरब्बे में हमें पूरा फल खाना पड़ेगा किंतु सेगमेंट्स में हम चाहें 1 फांक खाएं या 2 फांक खाएं। इस तरह से यह उत्पाद आपका खाने में मीठा भी है और मिठाई से लाख गुना अच्छा भी है क्योंकि इसमें है आपके लिए बहुत सारे पोषक तत्व जो आपको स्वस्थ एवं निरोगी काया प्रदान करेगा। किंतु मुरब्बा बनाते समय कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। एक तो इसकी चाशनी पर्याप्त गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपका मुरब्बा किसी भी कारण से खराब होता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके मुरब्बे में पानी ज्यादा रह गया है, अर्थात चाशनी गाढ़ी नहीं हुई है। तो आपको आखिरी वाली प्रक्रिया फिर से दोहरानी है, अर्थात
मुरब्बे और चाशनी को भगोने में फिर से पलटना है। जब फल गर्म हो जाए तो छन्नी की सहायता से बाहर निकालना है और चाशनी को पुनः गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के बाद डब्बे में भर करके रख देना है और चाशनी इतनी होनी चाहिए कि आपका फल चाशनी में डूबा रहे। तो मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसको बनाने में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। भाइयों एवं बंधुओं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र में प्रोसेसिंग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। जो भी सीजन के फल हैं, आंवला ही नहीं, आम, अमरूद, जो भी सीजन के फल हैं, उन सब पर प्रोसेसिंग होती है। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूं, आप सबको यहां प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करती हूं। मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगी कि आंवले का फल जीवनदात्री फल है, इसको हम सबको सेवन करना है किसी भी रूप में, चाहे जूस के रूप में, चाहे अचार के रूप में, चाहे मुरब्बे के रूप में, कैंडी के रूप में, और यदि किसी रूप में नहीं इनमें कर सकते हैं तो हम आंवले को संरक्षित कर सकते हैं 15% नमक पानी के घोल में, अर्थात 1 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक डाल दें और आंवले को इसमें भर करके रख दें। पूरे साल हम इस आंवले को आवश्यकता अनुसार डब्बे से निकाल करके चटनी बना सकते हैं और खा सकते हैं। यदि आप आंवले का सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको निरोगी काया एवं स्वस्थ जीवन प्रदान होगा। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंसकर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें।